अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश पाश होंगे। तो जनाब, इनकी तो सारा दिन मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं होती। कभी एक दूसरे को मारते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी प्यार करते हैं। तो लास्ट टाइम जो मेरी स्नो की डेथ हुई थी, उसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो बहुत बार हीट पे आई थी। लेकिन वही बात हुई कि जो साइको डॉक्टर था, उसने क्या किया कि उसको हीट के इंजेक्शन लगा दिए, जबकि उसको गाइड करना चाहिए था कभी इंजेक्शन ना लगवाएं। ये सरासर जो है ना, वो जुल्म होता है कैट्स के साथ। चले मान लिया हमने कैट रखी थी, तो हमने सर्च नहीं की या हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, या हमें तो ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे से वीडियोस बनी होती हैं। क्योंकि ये था कि मैं जो एनिमल से बहुत ज़्यादा डरती थी, तो इसलिए मैं स्नो के पास इतना ज़्यादा नहीं आती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता अटैचमेंट हुई थी जब वो मेरे से प्यार करती थी, जब वो बीमार हुई थी। तो खुद ही बताएं कि जो डॉक्टर होते हैं वो तो दिन रात जाना वो ट्रीटमेंट करते हैं, उनको सारी नॉलेज होती है, डिफरेंट उन्होंने सर्चेस की होती हैं, स्टडी की होती है। तो उनको इस बारे में ज़रूर गाइड करना चाहिए कि भाई कैट जाना वो बहुत ज़्यादा हीट पे है, तो इसका सलूशन जाना वो जस्ट मेटिंग ही है। तो इसलिए आप इंजेक्शन ना लगवाएँ, ना कि अपने बस पैसे बनाने के लिए कुछ भी मतलब जुल्म करते रहें, जिसकी वजह से इनके बहुत ज़्यादा जाना हार्मोनल इशूज़ भी हो जाते हैं और भी मसले मसाइल होते हैं। तो हमारा मतलब समझ ले कि हमारी किस्मत में ना किटीज़ नहीं थे, जो कि हमें बहुत ज़्यादा शौक़ था। और मेरे बच्चों को तो बहुत शिद्दत से वेट था लास्ट टाइम भी, तो वही बात हुई कि बेचारे की डेथ होगी। तो इस बार भी भाई हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजडी हो गई है। तो इस बार ये कि ये सिबलिंग है, मतलब हमने जो पेयर लिया ना, हमें इसकी नॉलेज ही नहीं थी कि ये ना बहन भाई हैं, सिबलिंग है। तो इसमें ये कि हालांकि दोनों की सेम एज है, लेकिन पैंथर जाना वो दो तीन बार हीट पे आ गया, लेकिन स्नो मैडम जाना वो अभी तक ठंडी हुई पड़ी है। तो ये कि पैंथर जाना वो दो तीन बार हीट पे आ चुका है, फिर जारी बात है जब वो हीट पे आएगा फिर उसको फीमेल कैट चाहिए होगी। तो स्नो का तो अभी तक कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल ठंडी हुई पड़ी है, तो ये अभी तक जाना हीट पर नहीं आई। तो मैंने जो डॉक्टर उसे भी पता किया है, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर सिबलिंग जाना वो क्रॉस करते हैं तो उनका फिर जेनेटिक इशू भी हो सकते हैं। तो मुझे तो इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैंने काफ़ी सारी सर्च की है, कुछ ने बोला कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, कैट्स तो अपने मतलब आगे नेक्स्ट बच्चों के साथ भी मेटिंग कर सकते हैं। मुझे तो यही था कि जो एनिमल्स होते हैं ना, इनमें ये इतना इशू नहीं होता, इनके कौन सा मतलब निकाह होते हैं या इनका कोई बहन भाई का इशू होता, मुझे यही था कि इनके आगे आगे नस्लें चलती रहती हैं। तो लेकिन डॉक्टर ने बताया भाई इनमें भी इस तरह के इश्यूज़ पाए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को इस बारे में कोई नॉलेज है तो आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। तो हमारा ये कि भाई इस बार भी किटी का सपना ही, तो हमारा ये कि इस बार भी हमारा किटीज़ का ना ख्वाब ही रह जाएगा। क्योंकि ज़ारी बात है अगर स्नो हीट पे नहीं आएगी तो फिर ये कि पैंथर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसको फिर कोई ना कोई और फीमेल कैट चाहिए होगी। तो बाद में अगर कल को स्नो हीट पर आती है फिर उसको भी मेल कैट चाहिए होगा। तो फिर कभी हमें ये होता है कि भाई और मज़ीद जो है ना वो मेल और फीमेल तो ला नहीं सकते इनके लिए अलग से, तो फिर ये कि भाई इनको न्यूट्रल और स्प्रे करवा दें। तो फिर ये प्रॉब्लम होगा कि जिस तरह स्नो की डेथ होगी, अल्लाह ना करे इनको कल को कुछ होता है, क्योंकि ज़रा पता है ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, उसमें क्योंकि उसमें रत्ती बराबर भी इनकार नहीं है। लेकिन ये है कि अगर इनकी किटी नहीं होती फिर बड़ा मसला हो जाएगा कि अल्लाह ना करे इनकी डेथ हो जाए, तो फिर दोबारा से मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊँगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। क्योंकि इनसे जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना वो रिलीज़ होता है, टेंशनें जो है ना वो कम होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनमें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन रखा है, इतना ज़्यादा प्यार और केयर रखा है। तो कैट्स जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए, सारा दिन माशाल्लाह सोई रहती हैं, खेल और मस्तियाँ करते हैं और इतना मतलब कुछ भी नहीं कहते। तो पैंथर जनाब देखें भाई उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, स्नो मैडम जाना वो पीकॉक से खेल रही थी मोर के पंख के साथ, तो उसने जाना उसको दबोच के ऊपर बैठ गया और कब्ज़ा कर लिया। तब स्नो मैडम उसको बैठे देख रही है कि कब ये छोड़े तो कब मैं इसको पकड़ूं। तो आप लोग भी इस तरह का मोरपंख रख सकते हैं, इससे ये कि इनकी एक्सरसाइज भी होती रहती है, रनिंग भी करते हैं, पूरे रूम में इनको मैं भगाती हूँ, मोर का पंख आगे आगे करती जाती है और ये पीछे पीछे ना भागते हैं। तो इस तरह ये कि जो कैट्स ज़्यादातर एसी में रहती हैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं, तो इस तरह ये कि इनकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, जो कि इनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलें जी, ढेर सारा ख्याल रखें और दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला स्नो पैंथर को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।